पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। 90 वर्षों बाद 11-12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, पूरे 90 सालों के बाद 11-12 अगस्त दिन गुरुवार और शुक्रवार को दिखेगा श्रावण पूर्णिमा का चांद। इन 6 राशि वालों की लगने वाली है लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 11-12 अगस्त दिन गुरुवार शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन बन रहे महालक्ष्मी योग महाशुभ संयोग से इन 6 राशि वालों की लॉटरी लगने वाली है। ये 6 राशि वाले अब धन से मालामाल होने वाले हैं। स्वयं माँ लक्ष्मी जी अब इन 6 राशि वालों के घर पधार रही हैं, जिससे इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है अपार खुशियाँ ही खुशियाँ, जिससे इन 6 राशि वालों के अब धन से मालामाल बनने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, तो वो खुश नसीब और भाग्यशाली 6 राशियाँ कौन कौन सी है जो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से श्रावण पूर्णिमा के दिन बन रहे महालक्ष्मी योग महाशुभ संयोग से मालामाल होने वाली हैं, करोड़पति बनने वाली हैं। इन 6 राशि वालों के इस दिन लॉटरी लगने वाली है। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हर माह में एक बार श्रावण यानी कि हर माह में एक बार पूर्णिमा पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इस बार यह श्रावण पूर्णिमा का पर्व बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, यानी कि ये 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन बना रहेगा, तो रक्षाबंधन किस दिन मनाएं ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि इस बार की जो श्रावण पूर्णिमा है वह पूर्णिमा 11 अगस्त और 12 अगस्त यानी कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन रहेगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली पूर्णिमा श्रावणी पूर्णिमा या फिर श्रावण पूर्णिमा कहलाती है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन स्नान दान जप तप का विशेष महत्व है और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है, जो कि बेहद शुभ रहता है। भाई बहन का एक अटूट बंधन होता है प्रेम का। मध्य भारत और उत्तर भारत में कजरी पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो कहीं श्रावणी पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन आप कई तरह के यज्ञोपवीत करके शुभ अवसर यानी कि मना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार की श्रावण पूर्णिमा पर शर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। महामंगल एवं प्रीति योग बन रहा है। ये 6 राशि वाले लोगों के लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 4 योग बहुत ही शुभकारी रहने वाले हैं। इसी वजह से श्रावण पूर्णिमा के दिन और भी ज़्यादा खास बन रहा है। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजा के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करें। आपको बता दें कि यह महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में श्रावण का महीना बहुत ही खास होता है। मान्यता है कि इस महीने में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से और लाभ होता है। साथ ही आखिरी दिन भगवान भोलेनाथ का होता है श्रावण का, इसलिए इनका भी पूजन जरूर करें। साथ ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है। इस दिन पूजा और व्रत करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन पूजा और व्रत करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके आप एक लोटा जल शिव जी को जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। इस दिन खीर बनाकर भगवान माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और भगवान विष्णु जी को भी भोग जरूर लगाएं। खीर का प्रसाद पूरे घर परिवार के साथ खाएं। खास बात तो यह दोस्तों कि इस दिन कई सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन अमृत सिद्ध योग सर्वार सिद्ध योग मंगलकारी योग और प्रीति योग के बनने से और साथ ही साथ शुक्रवार होने की वजह से यह दिन और भी खास हो गया है। इसलिए इस दिन कुछ विशेष राशियों के अब धन से मालामाल बनने के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है जो कि इस बार श्रावण पूर्णिमा के दिन करोड़पति बनने वाली है, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बता दें कि सबसे पहले जो राशि आती है इस लिस्ट में वो है मेष राशि। मेष राशि के आपको बता दें कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। धन संपत्ति का तेजी से लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार कर पाएंगे।
अचानक और आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। धन संपत्ति में तेजी से मुनाफा प्राप्त होगा। जो कार्य अभी तक रुके हुए थे, जो कार्य पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करेंगे। नए लोगों से मुलाकातें होंगी। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होगा। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। बता दें कि इस बार सावन पूर्णिमा के दिन आप काफ़ी लकी रहने वाले हैं। माँ लक्ष्मी कृपा से अब आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि आपको बता दें कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। साथ ही आप बहुत खुशकिस्मत रहेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बरसेगी। माँ लक्ष्मी कृपा से अब आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आमदनी के साथ साथ धन के कई नए लाभ देखने को मिलेंगे। अब आपके पैसे के जो जरिए होंगे, आपको तेजी से देखने को मिलेंगे और बढ़ेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट है तो प्रतियोगी परीक्षा में और भाग लेने का मौका मिलेगा, बड़े संस्था में भाग लेने का मौका मिलेगा। बता दें कि इसमें घर परिवार में खुशियां रहेंगी, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, धन संपत्ति का तेजी से लाभ मिलेगा, नए कारोबार का विस्तार करेंगे। व्यापार हो या फिर कोई कारोबार हो या फिर आप किसी के साथ पार्टनर में कर रहे हैं तो विशेष लाभ होगा। अब अगली यानी जो तीसरी जो राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि आपको बता दें कि इस बार की सावन पूर्णिमा आपके लिए लकी रहेगी। माँ लक्ष्मी कृपा से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ रहेंगी। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान प्राप्ति के साथ साथ घर में खुशियाँ छाई रहेंगी। अनेक प्रकार के धन के लाभ मिलेंगे। जो कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्र हो या फिर कारोबारिक क्षेत्र हो, विशेष लाभ होगा। आपको कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उनमें विशेष लाभ देखने को मिलेगा। धन संपत्ति का तेजी से मुनाफा कमा पाएंगे और अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। बता दें कि इसमें आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन कुछ अच्छे कारोबार का विस्तार भी कर पाएंगे। साथ ही इस समय प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात कर सकते हैं, विदेश जाकर नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगली चौथी जो राशि आती है वो है यहाँ पर दोस्त बता दे मकर राशि। मकर राशि के आपको बता दे कि अब श्रावण पूर्णिमा के दिन बन रहे इस महादुर्लभ शुभ संयोग से विशेष लाभ होगा। 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन आपकी लॉटरी लग सकती है। करोड़पति बनने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। धन से मालामाल बन सकते हैं। भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। रूठी हुई किस्मत चमक जाएगी। माँ लक्ष्मी कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से आपके लिए इस बार श्रावण पूर्णिमा के दिन बन रहे इन दुर्लभ योग से धन संपत्ति में तेजी से इजाफा होगा। कई प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। धन संपत्ति में आप बहुत तेजी से मुनाफा कमा पाएंगे। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लगातार आपकी आमदनी बढ़ेगी और साथ ही साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उठना बैठना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। बड़े कार्य कर सकते हैं और साथ ही साथ पड़ोसों के साथ संबंध आपके काफ़ी मधुर रहेंगे। कुछ अच्छे कारोबार का विस्तार कर पाएंगे। धन संपत्ति में तेजी से लाभ मिलेगा। अब अगली जो राशि आती है यानी पाँचवी जो राशि आती है वो है मीन राशि। मीन राशि के आपको बता दें कि 12 अगस्त को इस बार श्रावण पूर्णिमा के दिन बन रहे इन दुर्लभ योग से आपको धन का लाभ होने वाला है। रुका वो फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। धन संपत्ति में इजाफा होगा। बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर होगा, जिससे आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। इसीलिए तो कहा है दोस्तों कि पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। 90 वर्षों बाद 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों बता दें कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। किस्मत चमकने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। नए गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे। नई जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नए धन संपत्ति में इजाफा देखने को मिलेगा। अब अगली यानी जो छठवीं जो राशि आती है वो है तुला राशि। तुला राशि के आपको बता दें कि अब आपकी किस्मत बहुत तेज़ी से चमकेगी। माँ लक्ष्मी कृपा से आपकी आमदनी बढ़ेगी। साथ ही इसमें आपकी यात्राएं होंगी। विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। विदेशी कंपनी से जुड़ सकते हैं। विदेश में कोई अपने लोग हैं तो उनसे शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यात्रा करते समय कीमती चीज़ की देखरेख जरूर करें। दोस्तों इस समय बता दें कि आप कुछ नए कार्य का शुभारंभ करेंगे। घर में शुभ मंगल कार्य होंगे। धर्म कर्म के कार्य होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दोस्तों इस समय कथा वार्ता हो सकती है। धर्म कर्म के कार्यों में आप धन खर्च करेंगे। लोगों की मदद करेंगे। लोगों के प्रति सहानुभूत होगी। लोगों की मदद करने की इच्छा आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। दोस्तों ये 6 राशियाँ ऐसी हैं कि इस बार श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेषकर बहुत ही शुभ रहने वाली हैं, लकी रहने वाली हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन ये अमीर बनने वाली हैं, बहुत ही लाभकारी रहने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।